हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल। मेरी चैनल फैशन लाइफ है, आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी नियरली एक फेस्टिव आ रहा है जिसका नाम है रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन जितने सारे फेस्टिवल शुरू हो रहा है, तो फेस्टिवल आ रहा है तो सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, क्योंकि इन सीजन में हमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़ा पहनने के और ज्वेलरी वगैरह थोड़ा सा सज धज के रहने के लिए मौका मिल रहा है। वैसे हमेशा तो थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन फेस्टिवल का बात ही कुछ अलग रहता है। तो अभी अगस्त 15 को इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ हमारा रक्षाबंधन भी हो रहा है। तो रक्षाबंधन के लिए मैं आज आपको कुछ आउटफिट बताऊँगी जो आप रक्षाबंधन के लिए पहन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा फर्स्ट आउटफिट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं सारा फोटो लगा दूंगी, आप देख सकते हैं कैसे आपको रक्षाबंधन के लिए सजना संवरना है और कैसे आउटफिट आपको पहनना है। तो पहला मेरा फर्स्ट आउटफिट है, आपको कुर्ती के साथ एक लॉन्ग कुर्ती और उसके साथ आप एक लहंगा पहन सकते हैं और एक दुपट्टा ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है। आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर, ये प्लेन है, प्लेन सिल्क का है और एम्ब्रॉयडरी है, और उसके नीचे एक लहंगा है। लहंगा थोड़ा सा अलग टाइप का है, जैसे कि थोड़ा सा ए लाइन और अम्ब्रेला कॉट की तरह है, उसका फ्लेयर थोड़ा सा ऐसे अम्ब्रेला कॉट की तरह है। आप और साइज में एक साइड में एक दुपट्टा ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है। और चाहे तो आप थोड़ा सा उसको मैच करके थोड़ा ज्वेलरी ले सकते हैं। तो फिर सेकंड आउटफिट है, आप घाघरा चोली भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक घाघरा चोली पहना है, आप देख सकते हैं, और इसके साथ आप एक ज्वेलरी भी सेट करके पहन सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक स्टोन का मतलब अभी जो रिसेंटली लेटेस्ट में जो स्टाइल है, इतना बड़ा बड़ा कलरफुल आर्टिफिशियल पहना है, ज्वेलरी पहना है, तो आप भी ऐसे पहन सकते हैं। तो ये था मेरा सेकंड वाला, ये प्रिंटेड का मैंने लिया है पिंक रानी कलर में, और फ्री उसका चोली और घाघरा लहंगा प्रिंटेड का है। तो आप भी ऐसे ऐसे वाला कुछ इस तरह का लहंगा भी ले सकते हैं पहनने के लिए। ये फेस्टिव सीजन के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन में हमें थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक देना अच्छा रहता है। ये घर का एक फंक्शन रहता है, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा सिंपल सोफर की तरह थोड़ा स्टाइलिश भी लुक आए, जैसे कि दोनों हमें मैंने जैसे कि स्टाइलिश लगे और सिंपल सोफर भी लगे, इस तरह का कपड़ा पहनने से हमें बहुत अच्छा दिखता है। तो ये था मेरा सेकेंड। थर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहना है एक कुर्ती और पैंट। तो कुर्ती और पैंट और उसके साइड में आप एक सिल्क दुपट्टा डाल सकते, इसका पूरा सेट वाला ड्रेस भी आ रहा है। या आपके पास अगर घर में कोई अच्छा सा कुर्ती है तो आप उसको मैच करके पैंट और दुपट्टा भी डाल सकते हैं। ये मेरा सेट का ड्रेस है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको लगाया, आप देख सकते हैं इसका कलर है मस्टर्ड कलर है और उसका ब्राउन मेरून कलर का पैंट है, और पैंट के नीचे थोड़ा सा काम हुआ है और दुपट्टा भी सिल्क दुपट्टा है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है। आप इसको साइड में डाल सकते हैं या आप पीछे से ऐसे दोनों हैंड की तरफ करके भी आप ऐसे डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा आउटफिट भी। तो फिर अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे मेरा आउटफिट। आउटफिट कोड में आप एक टॉप के साथ एक लॉन्ग स्कर्ट भी पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहना है एक टॉप और ये टॉप के साथ एक लॉन्ग स्कर्ट पहना है। तो ये लॉन्ग स्कर्ट प्रिंटेड का है, बहुत अच्छे है, बहुत आपको बहुत अच्छा कंफर्ट भी फील देगा और फेस्टिव सीजन के लिए, फेस्टिव फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, राखी के लिए तो खास करके बहुत अच्छा है बहन के लिए। तो आप देखिए कितने अच्छा है, कितना अच्छा दिख रहा है। इसके साथ आप थोड़ा सा मैच करके, जैसे कि मैंने कुछ ज्वेलरी यहाँ पे पहना है, आप भी ऐसे पहन सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए तो ज्वेलरी पहनना ज़रूरी है। और फिर ये जो टॉप मैंने पहना है इसमें थोड़ा सा लगा है, थोड़ा सा ऐसे कलर वाला लगा है, आप देख सकते हैं। ये ड्रेस मैंने अभी पहना है, ये टॉप, तो आपको मैं यहाँ पे
स्टार्टिंग में आप सरारा के साथ लॉन्ग कुर्ती पहन सकते हैं और उसमें एक साइड में एक दुपट्टा दे सकते हैं या दुपट्टे का कुछ और स्टाइलिस्ट करके के दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मेरा फोटो, आप देख लीजिए, इससे भी कर सकती है। तो हर कुछ ड्रेस के साथ आप कुछ ना कुछ ज्वेलरी और इयररिंग्स कुछ मैच करके पहन सकते हैं, तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक आ जाएगा। क्योंकि ये जितने सारे हमारा इंडियन फंक्शन रहता है, थोड़ा उसमें हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक देने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि ये फंक्शन ही ऐसा रहता है। तो आप ये सरारा के साथ लॉन्ग कुर्ती पहन सकते हैं, कितना अच्छा देख रहा है आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे फोटो देखिए मैं लगाया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर मेरा नेक्स्ट आपको एक ए लाइन का लॉन्ग कुर्ती और उसके नीचे आप प्लाजो भी पहन सकते हैं। तो आपको हिसाब से आपके पास अगर कुर्ती प्रिंटेड का है तो आप प्लेन पहन सकती है। यहाँ पे मेरा ये रेड कलर का है और उसके नीचे थोड़ा सा लाइट प्रिंट में प्रिंट है और उसमें ब्लैक कलर का लगा है, ये पम्पम लगा हुआ है, तो उसके लिए मुझे ब्लैक कलर का प्लाजो पहनना अच्छा लगा। तो मैंने इसको ज़्यादा थोड़ा सा ये गर्मन या स्टाइलिश बनाने के लिए एक दुपट्टा डाला है इसमें, आप देख सकते हैं एक फुलकरी दुपट्टा मैंने डाला है। ये दुपट्टा इस ड्रेस को और भी थोड़ा अच्छा बना देता है, इसमें थोड़ा अच्छा लुक भी आता है। तो आप इस तरह के ड्रेस में पहन सकते हैं। फिर नेक्स्ट में आप कोई सा सिंपल, अगर आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा सिंपल लुक देना है तो आप एक प्लाजो के साथ, प्रिंटेड प्लाजो के साथ एक प्लेन या थोड़ा सा मैंने लाइट प्रिंटेड में एक अच्छा सा कुर्ती पहन सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ब्लू कलर के नीचे एक प्रिंटेड वाला प्लाजो पहना है, तो ये थोड़ा, ये मेरा थोड़ा स्कॉट लाइक का प्लाजो है जो इस कुर्ती को और ये प्लाजो के साथ ये बहुत अच्छा मैच कर रहा है, बहुत अच्छा लुक भी दे रहा है। ये कॉटन का है और बहुत अच्छा कंफर्टेबल भी दे रहा है, ये फेस्टिव सीजन के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हमें इसके लिए एक ट्रेडिशनल लुक देना है, क्योंकि ये रक्षाबंधन है और घरेलू फंक्शन है, तो हमें ऐसा वाला आउटफिट पहनना चाहिए जो हमें ट्रेडिशनल लुक के साथ साथ हमें थोड़ा स्टाइलिश भी दे, इसके साथ थोड़ा बहुत ज्वेलरी हम सेट करके पहन सकते हैं। फिर लास्ट में आप यहाँ पे देख सकती है मैंने एक लॉन्ग ड्रेस पहना है, तो ये बहुत सिंपल सा है, तो आप ऐसा वाला भी एक अच्छा सा कोई लॉन्ग ड्रेस भी पहन सकते हैं। और आजकल बहुत अच्छा वाला लॉन्ग ड्रेस और लॉन्ग गाउन मिल रहा है, और साइड में एक बेल्ट भी अगर चाहे तो आप देख सकते हैं, मेरा इसमें एक बेल्ट भी एक उसी प्रिंट का एक बेल्ट है जो मैंने साइड में दिया है। और अगर आपको पसंद है और थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देना है तो आप साइड में एक दुपट्टा डाल सकते हैं, क्योंकि दुपट्टा डालने के बाद एक ट्रेडिशनल लुक के साथ आपको स्टाइल भी करता है। तो साइड में एक दुपट्टा डाल दीजिए, या फिर आप एक दुपट्टा को ऐसे पूरा मैंने जैसे कि बिल्कुल ओपन किया हुआ एक दुपट्टा डाल सकते हैं सिंगल में साइड से, या फिर आप दोनों हाथ में ऐसे साइड करके ऐसे पीछे जैसे भी मैंने यहाँ पे डाला है आप ऐसे डाल सकते हैं। तो ये आपको अच्छा सा लुक देगा और आपका रक्षाबंधन पे चार चांद लग जाएगी। तो चलिए यहीं पे आप ऐसा वाला ड्रेस में जितने सारा आउटफिट दिया है आप इसको आजमा के देखिए आपको। तो दोस्तों ये था मेरा रक्षाबंधन के लिए एक वीडियो, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करना कि आपको इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए, अभी रक्षाबंधन आ रहे इसीलिए वीडियो बनाया है, आप ज़रूर मुझे इस मैसेज के जरिए कमेंट के जरिए आप मुझे ज़रूर बता दीजिए। फिर मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको पता है, आपको जितने सारा मेरे वीडियो डालूंगी आप सबको उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और सब्सक्राइब जरूर करना, कम से कम आपको लाइक तो जरूर करना है, प्लीज़ एक लाइक।